देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर। नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए HBN न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज की अहम खबर की ओर। पंजाब के लुधियाना में रहने वाले प्रवासी मजदूरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब से सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया है, मजदूरों का रोजगार छिन गया है। सभी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। जहां पर फैक्ट्री में काम करते थे, वहां के फैक्ट्री मालिक ने 15-20 दिन तो खाना दिया, उसके बाद फैक्ट्री मालिक ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। वहीं मकान मालिक अलग से किराया मांग रहे हैं। 2 महीने तक तो मजदूरों ने जैसे तैसे गुजारा किया, जितना भी कमाया हुआ पैसा था सभी खाने पीने पर खर्च कर दिया। लेकिन अब मजदूरों का कहना है कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा, इसलिए उन्होंने अपने घर तक जाने का फैसला किया है। मजदूरों ने घर तक साइकिल पर जाने का कदम उठाया। उनका कहना है कि वो लुधियाना से हरियाणा पहुंच गए और हरियाणा से वो यूपी के मुरादाबाद तक भी जैसे तैसे पहुंच गए थे, पर मुरादाबाद पुलिस प्रशासन ने उनको ट्रक में बिठाकर वापस हरियाणा के बॉर्डर पर लाकर छोड़ दिया। अब ये प्रवासी मजदूर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके पास सर ढकने के लिए ना तो कोई छत है और पेट भरने के लिए ना तो खाना। ये साबापुर गांव के पास पहुंचे तो गांव वासियों ने इनको खाना खिलाया, इनको भोजन दिया। साबापुर गांव के युवा का कहना है कि वो पिछले 2-3 दिन से इन प्रवासी मजदूरों को सड़क पर भटकता देखकर खाने का इंतजाम कर रहे हैं। गांव वासियों के साथ इस मुहिम में केयू के एनजीओ उनका साथ दे रहा है और इन सभी प्रवासी मजदूरों की प्रशासन से यही मांग है कि या तो इनको इनके घर भेज दिया जाए या इनको भोजन या सिर ढकने की सुविधा मुहैया कराई जाए। नमस्कार दोस्तों, हम मौजूद हैं साबापुर नया गांव की तरफ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भारी मात्रा में प्रवासी मजदूर भाई हैं जो कि मुरादाबाद से वापस लौटा दिए गए हैं। ये देख सकते हो इन्होंने यहाँ पर आश्रय लिया है साबापुर नया गांव। तो आप लोग देख सकते हो इन प्रवासी मजदूर भाइयों के चेहरे, सभी बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे हैं। साइकिलों से हैं, कुछ पैदल भी हैं। तो आइए बातचीत करेंगे हम इन मजदूर भाइयों से। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है। अच्छा, दीपक कुमार है। तो दीपक कुमार जी, आप कहाँ से आए हो, पीछे कहाँ से चल के आए हो आप? मैं लुधियाना से चल के रहा। अच्छा, लुधियाना से आए हो। तो कितना समय लगा आपको लुधियाना चलकर यहाँ पर आने में? सर 3-4 दिन हो गया। चार दिन पहले। अच्छा, 3-4 दिन हो गया। तो आपको 2 महीना हो गया था लुधियाना में रहते हुए। तो 2 महीने तक आपको ऐसा क्या इतना जरूरी काम पड़ा कि आपने वहाँ से लेकर यहाँ तक आने का कदम उठाया? सर फैक्ट्री में पैसा नहीं दिया, रूम मालिक खैरासों से कुछ नहीं दिया, रूम से बाहर कर दिया। अच्छा, मजबूर में साइकिल उठा कर चलना पड़ा। तो जो आपकी फैक्ट्री का मालिक है वो आपको कुछ खाने पीने के लिए कुछ सामान मुहैया नहीं करवा रहा? कुछ नहीं, पूछने तक अभी नहीं किया। अच्छा, कुछ नहीं दे रहा आपको? कुछ नहीं, कोई आपको कोई वहाँ पे सर्विस कोई भी मतलब सुविधा नहीं दी जा रही है आपको प्रशासन की तरफ से? कोई खाना नहीं दिया जा रहा? तो आपने 2 महीने तक आपने कैसे गुजारा किया आपने वहाँ पे अपना? जीरो पर कॉल करते थे, तो आप सबका ये कहना है कि जो आपका अपना कमाया पैसा था जो आपको गांव भेजते थे, अपने परिवार वालों को भेजते थे, आपने उससे अपना खर्चा चलाया इतने दिन? बच्चे वाला सर। तो आप लोग देख सकते हो इन सभी की मजबूरी है, इनका सभी का यही कहना है जो हमारे अपना कमाया हुआ पैसा था उससे इन्होंने 2 महीने तक अपना निर्वाह किया, प्रशासन द्वारा इन्हें कोई भी सुविधा मुहैया नहीं करवाई गई। तो और आप कह रहे थे अभी कि हम मुरादाबाद तक चले गए थे साइकिलों से, तो वहाँ से वापस भी दौड़ाया गया आपको, वापस नहीं भेज दिया गया? हाँ, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वहाँ बोले कि चलो बिहार तुम्हारा बैठा कर भेज देंगे ट्रक में। अच्छा, अब बैठा कर घुमा कर ना कहीं हरियाणा बॉर्डर पर छोड़ दिया। अच्छा, यहाँ बड़ा डंडा मार कर भगा दिया कि चला जाओ, अब हमने कहाँ जाएंगे, है जो होना रहेगा सही। तो अभी आप लोगों ने ये नया साबापुर गांव है, ये चौक है जो यहाँ पे आपने आश्रय बनाया, यहीं पे अभी आप लोग रुके हो, अभी आए हो यहाँ पे आप? हाँ, 1 घंटा हो गया। तो खाना पीना कोई दिक्कत, खाना पीना मिल रहा है यहाँ पे? नहीं, जो गांव के साबापुर गांव के लोग आपको खाना दे रहे हैं यहाँ पे? हाँ, बढ़िया से। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इन सभी की मदद के लिए जो साबापुर गांव है बहुत ही आगे आया है, इन सभी की मदद कर रहा है। जो और भी प्रवासी मजदूर हैं जो सड़कों से चल रहे हैं, आप लोग देख सकते हो उन्होंने किस तरह यहाँ पर ये स्टॉल लगाई हुई है अपनी यहाँ पर खाने की। इन सभी मजदूरों को यहाँ पर भरपूर खाना दिया जा रहा है। जितने भी मजदूर भाई हैं जो इस सड़क से सहारनपुर रोड से चलकर आ रहे हैं, सभी को खाना दिया जा रहा है। तो इस समय साबापुर गांव इन सभी के लिए आगे आ रहा है, आप लोग देख सकते हो भाइयों।
तो क्या प्रशासन से क्या कहना चाहोगे आप? प्रशासन जो हम लोग चाहे घर भेजे चाहे राशन के मनो खाना को उपलब्ध करा। अच्छा, आपका यही कहना है या तो आपको घर भेजा जाए या जो राशन वगैरह है खाना है आपको दिया जाए, रहना। चलो सर, अभी कबाला लगता है तो इस समय तो जो स्थिति है उसको देखते यही है कि जो खाना मिल जाए वही सबसे बड़ी बात है। खाना और सिर पे छत मिल जाए बस वो इस समय बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना? तो इस समय आप सभी का यही कहना है कि प्रशासन से जो आपको आप तो आपके घर भेज दिया जाए या खाना मुहैया करवाया जाए आपको, और या सिर पे छत। आप पंजाब में रह रहे थे, वहाँ आपके मकान मालिक है, वहाँ से आपको भगा दिया उन्होंने, कोई पैसा मांग रहे थे? अगर वापस आएगा तो तुमको इन होने नहीं देंगे। अच्छा, तो आप जहाँ पे काम कर रहे थे इतने सालों से, काफी टाइम से, आप उनको कहते हैं भाई हम इतने टाइम से आपके पास काम कर रहे हैं? ताला सील करके चला गया सर, पता नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं, ना फोन उठा रहा ना कुछ नहीं। जब उसकी फैक्ट्री चालू होगी, जब आपको फोन करेगा तब आप जाओगे इसके पास? नहीं दोबारा तो देखो, ये सभी प्रवासी मजदूर हैं जो कि फैक्ट्री में काम करते थे, इन सभी का यही कहना है जिस मालिक ने हमें खाने के लिए मोहताज के खाना नहीं दिया, अब हम उसके पास दोबारा नहीं जाएंगे। इस समय प्रशासन से सभी की यही मांग है कि इनको खाना दिया जाए या इनको इनके घर भिजवाया जाए। जय हिंद, जय भारत।